आई थिंक समटाइम्स आप जब एक स्टार की ज़िंदगी जीते हैं या थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं या उसके बारे में जानते हैं तो बहुत इंडियरिंग और स्वीट बातें मालूम पड़ती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि जो बाहर से जो रूप है वो सिर्फ एक इमेज है, जो असलियत है उसमें कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी अच्छाई या स्वीटनेस भरी हुई है। आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव डन वेल फॉर देमसेल्व्स देयर इज सम गुडनेस, सम हार्डशिप, सम हार्ड वर्क। सो इट्स रियली नाइस एज अ कॉन्सेप्ट कि कोई आदमी अगर आपको बहुत प्यार करता है, चाहता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी जीने का अवसर तो शायद मौका तो नहीं मिलेगा एक दिन में या दो दिन में, बट एटलीस्ट उसके बारे में इन डेप्थ जान पहचान हो जाए कि जब वो कभी घर को जाएं तो उन्हें लगे कि हम जिसको पसंद करते थे वो वर्थ था। यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन लाइफ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट टू लिव योर लिव माई लाइफ। Welcome to Live My Life. आज जिस सुपरस्टार की हम बात करने वाले हैं उनकी माँ उन्हें दिलीप कुमार से कंपेयर किया करती थी। जब वो पहली बार दिल्ली से मुंबई आए तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू ओन दिस सिटी। वेल टूडे द होल सिटी ओन्स हिम। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान की। How are you doing? Good. Shark, मैं जानना चाहती हूँ, हमने आपके फैंस के लिए इतनी सर्च की, इतने सारे फैंस आपके, आप किसके फैन हैं? मैं किसका फैन हूँ? Yes. मुझको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, रोनी का फैन हूँ आजकल, और मुझे कहना पड़ता है वरना वो बुरा मान जाते हैं मैं किसी और का फैन हूँ। How sweet. इतना सारा प्यार शाहरुख। द वेब हैज क्रैश्ड, यूटीवी स्टार्स पेज पे बहुत सारे मेल्स आए हैं एंड How does it feel? So much love. It feels very nice. It feels very humbling, and I feel very grateful, and I feel immensely touched that people like the work that I've done for so many years, and it makes me want to work harder every day. Okay, अब हम जो fans select करेंगे, वो आपकी life जिएंगे 24 घंटे के लिए। वो एक चीज आप, वो क्या tip देना चाहते हैं अपने fan को कि वो पूरा दिन याद रखे? कि जो मेरा दिन है वो 24 घंटे का नहीं है, वो 52 घंटे का है, कभी कभी 60 घंटे का है। तो थ्रू आउट द डे अगर थक भी जाओ तो स्माइल करते रहना, आंखों में थकान आ जाए लेकिन मुंह से मुस्कान ना जाए। लवली, आई विल मेक श्योर मैं उनको ये बता दूं। तो शाहरुख, ये सारे आपके फैंस हैं, मैंने आपको भी वीडियोज़ भेजे हैं, ईमेल्स भेजे हैं। देर सो मैनी, देर इज़ मी, देर इज़ गरिमा, देर इज़ सुप्रिता, देर इज़ फारुक। Yeah, I've seen them all actually, and they're all so sweet and pretty and wonderful. I actually want that all of them come here. For now, but one select. Yeah, I know. We have to select one, so yes. I'd like to choose Farooq actually. Farooq? Yeah, I'd like to choose Farooq because his name is a little bit like Jana Pachana Sunawa. Yes. And as a matter of fact, tell you a story. The first person who used to cut my hair. On the roadside, जब मैं दिल्ली में था तो उसका नाम भी फारूक था, तो उसकी याद में, and the fact that she's very pretty and very sweet. Isn't she? And a big fan, all of them. Lots of female fans. So Farooq is the lucky one. I'm the lucky one to meet Farooq. Great. So I'll make sure मैं उन्हें ये good news दे देती हूँ. Thank you very much. Thank you so much, Farooq. See you. Hi Farooq, I'm Shamali from Live My Life. Live My Life. Hi Shamali. Hi, you remember the show? Apne video bhi tha. Of course I do. Can I come in? Yeah, sure. So Farooq. Yes. Mujhe yahan pe Shahrukh ne bheja hai. Dear Farooq, thank you for loving me so much. I have chosen you to live my life. Oh my God, I don't believe this. Thank you so much. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अभी मेरे साथ निकलना होगा तो? Oh God, my boss is not going to be very happy. Okay, I'll make you happy for now. This is a little gift hamper. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, और आप quickly pack कीजिए. We should leave. And कहाँ जा रहे हैं अपन? हम पहले जा रहे हैं दिल्ली. मैं चाहता हूँ कि फारूक दिल्ली जाएं और
उन लोगों से मिले जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा था, क्योंकि मुंबई आने के बाद जो कुछ मेरा है वो सब लोग जानते ही हैं, इतने कोई नए लोग नहीं हैं। जो मुझे पहले से जानते थे शायद वो मुझे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फारूक, अब आप दिल्ली में हैं, we've booked specially for you a farmhouse right here. Oh wow! एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब आगे मेरे लिए क्या है। और वेल, दिल्ली तक तो आ गए, लेकिन आगे क्या? यस, आई मस्ट बी थिंकिंग, आई लेट शाहरुख। ओह माय गॉड, मैं चाहता हूँ कि फारूक उन लोगों से मिले जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा था, विकास, रमन, अशोक और विवेक, इन चारों में से किसी से भी पूछ लो। एक्चुअली जब वो घर भी आते हैं विवेक वगैरह, तो कई बार एटलीस्ट शुरुआत में तो ऐसा होता था जब हम फिल्म के दोस्तों से मिलते हैं और विवेक पीछे खड़े हुए, तो ऐसा उनको 10-20 बारी आँख मार के बोलना पड़ता है वो बात मत बोलना। सो या, दे नो ऑल माय सीक्रेट्स एंड समटाइम्स व्हेन वी जस्ट टॉकिंग दे विल लाफ एट थिंग्स व्हिच ओनली द फोर ऑफ अस शेयर। And Vivek has been very close to me and still is. We are really thick friends. And I know one thing, you know, when I'm really sad or down or unhappy, these are the four people I'll turn to because there's unconditional love there. So Farooq, Shahrukh chahta hai ki aap unke bachpan ke dost se mile. So Vivek honge aapke perfect host. Okay. So wo abhi kisi ko bhejne wale hain to pick you up. So why don't you go fresh oh now? Oh my God, sure. So jab tak Farooq tayar ho rahi hai, I will go to yebhi.com और मैं वहाँ से उनके लिए कुछ मंगाने वाली हूँ। मैंने सुना यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, so let's see what I can order for her. Hello. Hi Farooq, you're looking pretty. Thank you. So are you ready? Yes. Okay, तो आप निकलिए, Vivek must be waiting for you. आपका ड्राइवर पहुँच चुका है. Okay. So you enjoy your Delhi tour. Thank you. और मैं आपको वापस यहाँ पे मिलती हूँ. पक्का. ठीक है. चल. Bye. How long have you been knowing Shahrukh? हमारे को अब करीब 40 साल हो गए हैं। Oh my God! 4.5 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से हम स्कूल में साथ हैं। दिल्ली आपको मैं शाहरुख की नजरों से दिखाऊंगा आज। Yeah? And कई surprises हैं आपके लिए। अच्छा। As we go along the day, तो आप चाहें तो थोड़ा नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर दिल्ली घूमने चलेंगे। Of course. हाँ? Sure. आइए। I have your first surprise. You have to find Shahrukh in this book. ढूंढिए शाहरुख को इस किताब में। Oh my God! हमेशा से अपने स्कूल में भी काफी फेमस रहे इनके। He was one of those shy types in school. School mein, well, he was the Sword of Honor winner. You saw that on the first page. Yes. So that was for excellence in sports, studies, drama, across the board. और उनके favourite subjects कौन से थे school में जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा score करते थे? Girls. नहीं. I'm just joking. उसकी life में एक ही लड़की थी from day one. So और वो लड़की अभी भी साथ है। अब हम यहाँ से चलेंगे पहले शाहरुख के घर जहाँ वो रहता था, एंड वहाँ से फिर दिन का कारवां शुरू करेंगे। ओके। टेल मी समथिंग सर, उनकी मॉम कैसी रही है इस पूरे, मतलब जब से आपने उनको जाना है? हमारा सारा टाइम आंटी के साथ ही बीतता था। आंटी वाज ऑलवेज देयर, जब भी हम व्हेन वी वर इन ट्रबल वही बचाने आती थी। सेफगार्ड। इंश्योरेंस स्कीम थी आंटी। तो शी इज, वो हमेशा से शाहरुख खान की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रही है, जिस तरह से वो हमेशा इंटरव्यूज में बोलते हैं। ऑलवेज, आंटी भी और लाला भी, शाहरुख की बहन सिस्टर। यहाँ जाते जाते एक सरप्राइज और है
एक शख्स से मिलवाऊंगा आपको मैं, जो लेट्स सी अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं। घूम के देखिए। हाय, आई एम विक्रम। हेलो, आई नो यू, आई से चाय। दैट्स राइट। शाहरुख यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे हम गाड़ी लगा के रात रात बैठे रहते थे गाड़ी में। तो आप लोग सारा टाइम ऊपर बिताते? ऊपर शाहरुख का कमरा होता था, एक ही कमरा था ऊपर। ऊपर एक ही कमरा था, हम सीढ़ी से भाग जाते थे ऊपर एंड दैट्स इट। कहीं ना कहीं पर उनको अगर चांस मिल जाए कि मैं किस स्कूल में पढ़ा था या किन सड़कों पर बड़ा हुआ हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैं अपने बच्चों को 6 महीना पहले लेकर गया दिल्ली और सारी सड़कें, सारे स्कूल और अपने दोस्तों से मिलाता रहता हूँ कि यू नो इफ दे वांट टू नो व्हाट देयर फादर हैज डन इन हिज लाइफ। सो नाउ दिस इज वेयर वी स्पेंड 13 इयर्स ऑफ आवर यस ग्रोइंग अप। ये हमारा स्कूल है। तो कम आई विल टेक यू जिस क्लास में 12th में शाहरुख था उसकी सीट पे बिठाता हूँ आपको मैं। इन द मीन टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस यू, दिस इज माय फ्रेंड प्रशांत। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। शाहरुख, सेम हियर। प्रशांत इज प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड कोलंबियंस एसोसिएशन, सो आई रिक्वेस्टेड हिम टू जॉइन अस। कम। अरे वाह, हियर इज द क्लास। वाह, आओ। ये उसकी सीट थी, आप यहाँ पे बैठ के हमारी जिंदगी के 13 साल आप खुद ही काट सकते हो यहाँ पे। आई थिंक इस एक डेस्क पे आई जस्ट रेड 420 लिखा हुआ है, शायद ये उसी ने लिखा था क्योंकि ये डेस्क भी मेरे ख्याल से उसी टाइम की है। वाओ, तो ये ना फ्रंट बेंच पे थे ना बैक बेंचर थे, बिल्कुल बीच में। बीच में, हाँ। नॉट टू नॉटी, नॉट वेरी सीरियस। तो आओ अब मैं आपको एक हमारे टीचर हैं जो उस समय भी स्कूल में थे, हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे। तो आइए विल मीट मिस्टर जोगिंदर सिंह। कम। एक बार स्कूल क्लास में पढ़ाई नहीं करनी थी इनको, तो शाहरुख ने मिर्गी का दौरा फेक किया, और फुल मिर्गी का दौरा जमीन पे गिर गया है और उसे किसी ने जूता आके सिंगाया और वो जूता भी स्कूल क्लास टीचर का लिया है। सर अपना जूता दो, ये इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। तो ये हो चुका है इस क्लास में जहाँ पे आप अभी। गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू, वेलकम, वेलकम। कैसे हैं आप? वेरी फाइन, गुड टू सी यू। सर ये फारूक है। हेलो, ग्लैड टू मीट यू डियर। सो फारूक, यू कैन फायर अवे। यस, आप मुझे पहले ये बताइए, शाहरुख खान गेम्स में कैसे थे, स्पोर्ट्स में कैसे थे? ही वाज एक्सेलेंट, ही वाज टोटली बहुत कमिटेड था, नॉट ओनली इन दी स्पोर्ट्स, इवन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक ड्रामा एंड सो ऑन, हर एक चीज़ के अंदर में। और फिर शरारत भी करना है क्लास में, वो भी ज़रूरी है। पर्सनली अगर बच्चे में शरारत नहीं है तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड, कि कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी है। सर लेकिन उस टाइम पे तो हम शरारत करते थे, आप टीम से निकाल देते थे। अब कह रहे हो कि शरारत करना अच्छा। अब हम भी मैच्योर्ड हो गए ना, उस टाइम हम भी इमैच्योर्ड थे ना, लेकिन हम जीरो से आप लोगों को हीरो बनाया। दैट इज वी आर प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू। इवन दो वी वर जीरो, बट वी आर प्राउड दैट आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स, they are the heroes of the team. Wow. तो सर वो कौन से स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छे थे? लाला रघुवीर सिंह हॉकी टूर्नामेंट विच वी प्लेड, उसके अंदर में ही वॉज गिवन द बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड। नो वंडर चकदे इतना बड़ा हुआ उनके वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग अस। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब आओ मेरी तरफ से एक राइड इस रिक्शा में और मुंबई जाके सबको बताना, लेट मी गिव यू अ हैंड, ओह माय गॉड, कि हमारी दिल्ली में विदा कैसे किया जाता है। सी यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
एक लड़की थी दीवार एक लड़के थे वो चोरी ओह माय गॉड ये क्या लिखा है कुछ कह रहा था शायद जब भी मुझसे मिलती थी सिर्फ यही कहा करती थी उफ वो शारो मैं फिर से लेट हो गई हाय शारो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा Hi Farooq. Hey, good morning. मैंने आपके लिए ये भी .com से ऑर्डर किया ऑनलाइन लाइक दिस इन अ क्लिक या सो वी आर लीविंग फॉर मुंबई नाउ अभी फ्लाइट का टाइम भी हो गया वी एंड एयरपोर्ट से सीधा वी विल बी हेडिंग टू अ स्पेशल प्लेस ओके व्हिच यू फाइंड आउट देयर ओके या कूल मुंबई में सबसे पहली चीज शाहरुख चाहते थे कि आप देखें इज हिज फर्स्ट हाउस मुंबई में शी शुड सी अमृत क्योंकि मैंने वहाँ से शुरुआत की थी मेरा अपार्टमेंट है और मुझे लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत अपार्टमेंट है चारों तरफ से सी दिखता है बाथरूम में से भी किचन में से भी सो इट्स रियली अ प्रीटी प्लेस एंड मेरे दिल के बहुत करीब है बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार वो घर लिया था तो मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर आई थी और वो लकड़ी का उसके अंदर इंटीरियर था और थोड़ा ख़राब भी था डनअप नहीं था पैसे नहीं थे मेरे पास और जब वो पहली बार आई तो मैंने कहा जी मैं आपकी बेटी को तो यहाँ ठहराऊंगा तो वो पंजाबी में बोला ए तो मैनु पानी का जहाज़ लग रहा है क्योंकि वो एकदम वाटर में था और सब लकड़ी लकड़ी था ये कार थोड़ी ना आएगा और दिल्ली वालों को जो है अपार्टमेंट्स छोटे लगते हैं सो आई वुड लाइक टू गो एंड सी इट एंड फील कि मेरा पानी का जो जहाज़ है कितना सुंदर है यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने यहाँ से शुरुआत की एंड आई एम राइट हियर इन हिज हाउस इट्स अनबिलीवेबल It's so amazing. I mean, किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में इसलिए I'm getting more goosebumps. Check his office. His office? यहाँ पे उनका पहला ऑफिस He started from there. हाँ अब हम जहाँ जाने वाले हैं दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मुंबई लोग घंटे बाहर खड़े रहते हैं कि वो कि वो शाहरुख की एक झलक देखें नो वो जस्ट स्टैंड आउटसाइड ओ माय गॉड फारूक खान विल बी एंटरिंग मन्ना Look, I just don't believe this. This is his car. Yeah, this is. Yeah, this I'll is. Take a picture. This is. I'll take more. पर पहले हम जान तो नहीं हम यहाँ पे क्यों आए ओके आपको पता है हम क्यों आए नहीं ओके यू आर मीटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ शाहरुख्स लाइफ मैं बताती हूँ कौन और एक्चुअली आई लाइक शाहरुख टेल यू हु इट इज या आई वुड लाइक टू कम होम एंड फाइंड आउट फ्रॉम करुणा कि मैं कितना बिजी रहता हूँ क्योंकि मेरे घर में आओ तो सिर्फ करुणा से ही मिल सकते हैं क्योंकि वो वहाँ से काम करती हैं और शी इज़ वेरी स्वीट आई एम नेवर एट होम आई एम ओनली वर्किंग सो इफ आई एम देयर आई विल से हेलो टू हर अगेन
बट चांसेस आर कि वो जब तक यहाँ पर पहुँचेंगी तब तक मैं कहीं और किसी और शहर के अंदर रावण की प्रमोशन कर रहा हूँगा या भागम दौड़ में लगाऊंगा. विल बी नाइस इफ शी कैन कम एंड सी माई हाउस एंड यू नो काइंड ऑफ फील वेयर आई लिव बिकॉज शी लव्स मी सो मच. बॉस ही इज सिंस यू आर वर्किंग फॉर हिम. मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट है ये आंसर करना क्योंकि ऑनेस्टली यू नो इट्स लाइक आई डोंट इवन फील दैट ही इज लाइक अ बॉस. यू नो इट्स लाइक ही इज क्वाइट रिलैक्स डिस्कस वेरी डेमोक्रेटिक. इवन इफ देर इज समथिंग इफ ही वॉन्ट्स यू टू यू नो एक्सेप्ट ही विल take that make that effort to explain to you why. Very touched that you know when we all work late and so we yeah. like you know this is nothing you work even later you know. How does he manage wo kis tarah apni professional aur personal life ko kis tarah se manage karte hai. I mean does he call his kids often the entire day? All the time. He does. He does. And he keeps a track on their studies also. Okay. And especially when they have things like exams and all. So he actually is like preparing a schedule with them. Oh, nice. कब पढ़ना है अब मैथ हो गया अब इंग्लिश लिटरेचर हो गया आज हम ये करेंगे आज साइंस करेंगे. So he helps them in their studies to the extent you know with Aryan especially with mathematics and all he does with him. Science की concepts क्लियर नहीं है तो सुहाना को बैठ के वो भी यू नो डिस्पाइट ऑफ दैट ही ऑलवेज मैनेजेस टू मेक टाइम फॉर द चिल्ड्रन. दे आर द सेंटर पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड आई बिलीव दैट ही इवन गोज डाउन टू टेक कलेक्ट हिज किड्स रिजल्ट्स जब उनके रिजल्ट आते हैं. नॉट जस्ट ही गोज डाउन टू कलेक्ट ही सीज देम ऑफ ऑन आई शुड से मोर देन 95% ऑफ the time. See, I think above everything, I think, like if you ask me, I think what is most endearing about Mr. Khan is that he's a very honest, sincere person. Mm-hmm. And that reflects in all spheres of his life. Should I show you his cabin? I think that would be perfect. Of course, I would have to go there. This is where he sits? Yes. Sometimes. Because he hates to sit and get into formal discussions. You'd rather find him sitting on one of these chairs than sitting and working more on the creatives okay. of the film. Imagine him sitting there. Thank you. Yeah, yeah. Stand. Let me show you now where he eats. Because okay. And or where he, you know, if he's there, where we sit in. For our meeting, this is like more like our informal okay. conference room. So he's always occupied with work. I mean, doesn't he have a break sometimes? When you enjoy your work so much, yeah, it's a break it's by just, itself, you know. And how many people actually get to see this? Not really very many because. Oh God, I really want to thank him and I thank you so much. Yes. It's so amazing. Thank it's you. Lovely meeting you. God bless. Same here. Thank you. हम अभी ताज लैंड्स एंड में हैं, which is in fact one of his favorite hotels. Why don't you go in and I'll just freshen up and I'll join you. Okay. ठीक है? Okay. एक लड़की थी दीवार एक लड़के थे वो मानते थे चोरी चोरी माय गॉड चिट्ठियां लिखा करते थे कुछ कह रहा था शायद उसे ओ गॉड आई डोंट बिलीव जाने किससे डरते थे जब भी मुझसे मिलती थी सिर्फ यही कहा करती थी उफ वो शारो मैं फिर से लेट हो गई हाय शारो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ओ माय गॉड माय लाइफ सो यू बी लेट ओ माय गॉड आई डोंट बिलीव दिस I love you so much. Good to see you. Why are you so late? God, I don't believe. Please sit down. मैंने तुम्हारे लिए फूल रखा है, especially और तुम्हारी तमन्ना थी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं. So I've been waiting here for last 2 hours now. So I'm so sorry. I had no idea. किसी ने बताया नहीं तुमको मैं इंतजार कर रहा हूँ? No.
आई डोंट नो कि आपसे मिलने वाले हैं आज। और मैं कब तक ये फूल पकड़ कर रखूं? लोगी का मुझसे। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो व्हाट टू से। कोई बात नहीं, चुपचाप से ऐसे ही पर बैठे रहते। बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बहुत बातें करनी है। पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम फारूक किसने रखा? दादा ने। कॉमनली फारूक लड़कों का नाम होता है ना? एक्चुअली शाहरुख लड़कियों का नाम होता है। यू नो दैट? या मे बी बड़ी बहन का नाम शाहरुख है। उसका सही हो गया, अब तो मेरा गलत हो गया। फारूक। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So, I'm basically from Panjgini. Abhi, I'm working for a PR agency. Haan I don't know how long. In Pune. Pune mein? Yeah, it's called Reach Out. Aur abhi kya ho gaya ke I was so eager to meet you ke my boss had given me two options. You either go meet Shahrukh or you resign. I said, okay. I make my choice. So you resigned and came to meet me. But we can request him. What's his name? Zubair Poonawala. From Pune? Yeah, from Pune. That's coincidental. Zubair Poonawala saab, Reach Out ke malik. प्लीज़ फारूक को माफ़ कर दीजिए, उसको नौकरी पे वापस ले लीजिएगा। उसको यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम इन पुणे आई विल कम एंड मीट अप एंड वी लास्ट योर पीआर एजेंसी एंड वी लास्ट फारूक एक्चुअली टू लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर इन पुणे। प्लीज टेक अ बैग, आई बेग यू प्लीज टेक अ बैग। सो होपफुली दिस विल वर्क। यस आई प्रे। इफ ही कॉल्स यू आफ्टर द शो तो मुझे बता दें। यस। और अगर वो तुम्हें निकाल दे नौकरी से फिर भी तो हमारे पास काम है, तो हमारे पास आना वर्क फ्रॉम होम। इंशाल्लाह। And where do you stay now? Pune में अपनी छोटी बहन के साथ। कितनी बहनें, कितने भाई? मुझे तो हम लोग चार बहनें और एक भाई है। That's our names. शाहरुख, गुलरुख, परवेज, फारूक एंड नुजहत। My sister's name is Lala Rukh actually. Lala Rukh? Oh yeah. Lala Rukh is a poem, Persian poem I think. It's the longest poem in the world, and it also means Lala Rukh is Rukh. Rukh, you know what Rukh means, na? Face. हाँ, mine is obviously. My princess like face it should be Shahrukh, or you can say the face of a prince. Mm-hmm. But then जब से मैंने Prince Charles को देखा, so I don't like it. So I don't like to say prince like face. मेरी नानी ने मेरा नाम रखा था. Actually नानी दादी सकती है ना नाम, तो थोड़ा उल्टा सीधा रखते हैं. I know. थोड़ा सा actually एक rule होना चाहिए कि जब आगे नाना नानी नहीं रखें. नहीं रखें तो फिर उसके बाद 18-19 साल की उम्र में change करें. I have been fighting for this. So what name do you want now? Tell me what alphabet you want to name. I want S or F. S or F. S से हम रख सकते हैं शांति प्रिया. No thanks. F से ऐसे हम रख सकते हैं फाल्गुनी. अच्छा नाम चाहिए. ऐसे नहीं, I think you should keep your name जो अजीज है, अजीजा. But you want with S. Or F. ऐसे you don't have any names in mind. No, I want a name that says nothing. पता ना चले. कुछ भी नहीं कहता ना. My grandmother named me a very strange name. शायद किसी को नहीं बताया लेकिन बताया था मैं अब्दुल रहमान. Just imagine. हाँ, just imagine. बाजीगर starring अब्दुल रहमान. I want to tell you a story. Everybody in my house is head over heels in love with you. I mean, I can say हम लोग सब बड़े हुए हैं आपके साथ. यू ना, आपको देख देख के हम लोग सब बड़े हुए. तो एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर वी यूज्ड टू हैव डिनर एट होम एंड द एंटायर फैमिली मीट्स, तो शाहरुख खान की मूवी लगाओ, केथरी जी और कुछ कुछ होता है और देवदास और सब खाना खा रहे हैं एंड यू नो शाहरुख खान इज ऑल्सो देयर एंड इट्स लाइक यू हैविंग डिनर विद अस एंड वी आर वॉचिंग यू एक्ट. तो आई रिमेंबर जब आप फौजी कर रहे थे, माई ग्रैंड फादर कुडंट सी, वो अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे एंड वो फौजी सिर्फ सुनते थे. तो वन डे दे वर हैविंग फूड एंड ही वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, तो उन्होंने बोला कि इसकी आवाज़ मुझे ऐसे लग रहा है बहुत बहुत ही डेप्थ है इसकी आवाज़ में और ये मुझे दिलीप कुमार की याद दिला रहा है. मुझे लगता था सिर्फ मेरी माँ ही ऐसे सोचती थी. मेरी माँ हमेशा सोचती थी मैं दिलीप कुमार जैसा हूँ. मेरी मम्मी का बड़ा शौक था कि मैं एक्टर बन जाऊँ. हर माँ को अपना बेटा गुड लुकिंग लगता है. तो उनका नाम कन्हा था. हर निकनेम कन्हा मींस डिंपल्स. कन्हा. ओह. सो शी यूज्ड टू हैव डिंपल्स. सो माय फादर यूज्ड टू. ओह, दैट्स हाउ यू हैव देम. या नो, आई हैव डिंपल्स बिकॉज़ माय मदर यूज्ड टू सिट विद अ गर्ल कॉल्ड रेनू एंड शी यूज्ड टू हैव डिंपल्स. सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, आई मीन शी वाज प्रेग्नेंट, सो शी यूज्ड टू सिट विद रेनू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड उसको देखती रहती थी. और शी यूज्ड टू लुक एट, ऐसा बोलती हैं मेरी मम्मी, मुझे पता नहीं सच कितना है उसमें, बादाम को देखती थी कि मेरी आंखें बादाम जैसी हो जाएं. But she used to tell me that I look like Dilip Kumar. So I wish she was alive actually. She never got to see me act. And then she was doing it again. Suddenly she put her hands inside and pulled my shorts. So once she pulled my shorts out, I was like this. मतलब मैं लाल हो गया था मैं. My elder sister, whose name is Gulrukh, she got married in Gwalior. So I remember calling her, you know, are you missing us and all. She's like, हाँ यार तुम लोगों की याद आती है. तो जब तुम लोगों की याद आती है, हम बस टीवी ऑन कर लेते हैं. ऐसे शाहरुख खान, फील लाइक ओह आई एम बैक होम. So that is the end. I'll do this, you know, before you leave from here, I'll make a video for your family. कि जब भी डिनर करो तो मैं ऐसा एक्टिंग करूँगा, साथ में बैठ के डिनर कर रहा हूँ. No, so what I wanted to tell you okay, is, tell.
अभी आपने हम लोगों के साथ बहुत सारा टीवी डिनर किया है, सो व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ द टेलीविजन एंड कम एंड हैव डिनर विद अस समडे? आई विल. ओके, कहां पे आना पड़ेगा? पंचगनी. Yeah. Where's your house? All family. This place is called Y. Of course you know. Y तो मुझे मालूम है. So my dad runs a school. But I also hate going there. छोटे से गांव में डाल दिया था आशुतोष ने स्वदेश को. बड़ा परेशान हो गया था मैं वहाँ से. भाग के आ जाता था वहाँ से. खाने को नहीं मिलता था. फिर खाने में मिट्टी होती थी वहाँ. बहुत गर्मी थी. Yeah. Really, really. Very hot. I used to run away from there quietly at night. I used to just drive away, meet my children, and quickly come back in the morning. Nobody even. Oh, you've done that? Yeah, because you know बहुत strict हैं ये आशुतोष फरहान वगैरह. ये जब फिल्म बनाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वहीं पे रहो, फीलिंग आती है, एक्टिंग अच्छी होती है. तो मैं उनको बोलता हूँ एक्टिंग तो मुझसे अच्छी कुछ भी करा लो नहीं होगी, बट मुझको वहाँ पे रख के नहीं, यू शुड बी इन द मूड. मैं रात को उसको बिना बताए भाग जाता था. जो अभी आमिर की वाइफ है किरण, शी वॉज द चीफ असिस्टेंट. ओह यार. हाँ, तो मैंने उसको पढ़ा रखा था कि मैं जाऊँगा, मैं सुबह सुबह जल्दी वापस आ जाऊँगा. What does she make? Biryani? She makes lovely biryani. Chicken, non-veg, unke haath ka sab, it's famous. I only everywhere. Like chicken, so I love to have chicken there. Yeah, so please. Do you cook? I can make chicken salad. I can make keema. It's very nice to hear someone say salad. Because my family used to call it salad. Abhi yahan pe Mumbai mein koi nahi bolta. Sab chicken ka salad. Chicken ka salad and keema. और भाजी वाजी है. कीमा टोस्ट, यू लाइक दैट? हैव यू एवर ट्राइड कीमा एंड टोस्ट? नो. इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट डिश. टोस्ट बनाओ, उस पे कीमा डालो और खाओ. द सिंपलेस्ट एंड द नाइसेस्ट. प्लीज ट्राई इट व्हेन यू गो नेक्स्ट डिनर. डेफिनेटली फॉर यू आई मेक दिस. या प्लीज मैं कीमा टोस्ट में लेकर आ जाऊं. टोस्ट मुझे बनाना. अच्छा, टोस्ट बनाना है. टोस्ट मुझे चाहिए. Okay, I've got a few things for you. I wish I could have got more, and I will send you more. I'll get your address now. जब घर आऊँगा मैं खाना खाने के. Definitely. So I want to sign a T-shirt for you. Wow. Which is my white sweaty T-shirt which I wear for. I've been wearing for 5 days, not bathe. Oh my God. All the white T-shirts I wear are like this one. I dress very simply. Yeah, I know. You hold this so that I'll sign it. Anything else you want to know? You can ask me anything that you want to know. आप जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैव सच अ बैलेंस्ड लाइफ. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैव वेरी अनबैलेंस्ड लाइफ्स, बट बहुत बैलेंस्ड लाइफ होती है सर. हाँ, 99% ऑफ देम वो जो काम करते हैं ना, वो नॉर्मली सब घरेलू टाइप ही करते हैं. बिकॉज यू ऑलवेज सी देम विद मेकअप एंड ग्लैमरस, सो व्हेन यू मीट देम पर्सनल लाइफ दे आर नॉट लाइक दैट एट ऑल. वेरी बैलेंस्ड लाइफ्स. दे जस्ट वर्क हार्ड, बट ऑल ऑफ अस डू. शुड आई गिव इट फॉर अदर सिस्टर्स और? या प्लीज, फॉर गुल. पोस्टर और माय न्यू फिल्म एक्चुअली, तो ये भी पोस्टर कभी बाहर आया नहीं. ओह माय गॉड, मेरी बॉडी वॉडी बहुत सॉलिड है, बट ये हमारा आया नहीं. रावण में ही है लेकिन अभी तक आया नहीं. सो आई थॉट आई गिव यू समथिंग व्हिच आई अज्यूम नोबडी हैज सीन टिल एट लीस्ट द फिल्म कम्स आउट. वाओ, इट डजंट लुक लाइक मी, बट इट्स अ बार. ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक यू, बट आई एम लुकिंग वेरी मच, आई एम लुकिंग लाइक जॉन एब्राहम. मैं बड़ा होकर जॉन एब्राहम बनना चाहता हूं. So who should I sign this to? To the Khan family? Yeah, to the Khan family. Perfect. And one more thing I wanted to know. कि I've heard आपके बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो I've heard that you are the one जो पर्सनली जाते हैं एंड यू कलेक्ट द रिजल्ट एंड साइन, इज दैट ट्रू? नहीं, मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ. जब मैं छोटा था ना फारूक, तो मेरी ना बहुत अनफॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स डाइड वेरी अर्ली. तो मेरा क्या होता था कि मेरी जो वो रह गई है ना यादें अपनी फैमिली के साथ, वो छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई. जैसे लाइक आई रिमेम्बर माई फादर यूज टू ड्रॉप मी टू स्कूल, तो हमको वो सुबह लेकर जाते थे ऐसा कुर्ते पैजामे के अंदर. तो वो मुझे मदर डेरी, आई डोंट नो यहाँ पे होता नहीं होता, मदर डेरी इज मिल्क, ऐसा वो कॉइन डालो तब मैं आया था. तो माई फादर यूज टू टेक मी, एंड क्योंकि इनवेरिएबली दूध फट जाता फ्रिज में, नहीं था हम इतने अमीर नहीं थे तो फ्रिज भी नहीं था हमारे घर में. था फ्रिज लेकिन उसमें से हमेशा बदबू आती रहती थी, चलता नहीं था, खराब सा होता था. तो वो दूध फट जाता था, तो मुझको वो ले जाके मदर डेयरी में कॉइन डाल के मैं वहीं पे मुंह लगा के या ग्लास में से पी लेता था. सो आई रिमेंबर हिम ड्रॉपिंग मी टू स्कूल. ऑफकोर्स आई वॉज ओनली टिल अबाउट ही डाइड व्हेन आई वॉज 15. सो इट वॉज ओनली कि थोड़े दिन तक ही उनका साथ था. तो मुझको इमेज वो रह गया कि वो मेरे जो बाप होता है वो बच्चों को स्कूल छोड़ता है. सो नाउ आई ट्राई टू ड्रॉप माई चिल्ड्रन होम. लेकिन ना मेरे बाल जब लंबे होते हैं तो मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे बाल ऐसे. सो इन द मॉर्निंग व्हेन आई
मीट माई चिल्ड्रन. सो एक तो वो नींद होते हैं तो आई थिंक थोड़ा डर भी जाता है. फिर मैंने बोलता हूँ कि मैं स्कूल छोड़ दूँ. सो लुक एट माई हेयर एंड से नो पापा इट्स ओके वी विल मैनेज. ओनली दे यूज्ड टू गेट वेरी कॉन्शियस बिकॉज़ आई थिंक उनको बहुत अजीब लगता है कि जब जब दूसरों के फादर स्कूल में आते हैं तो सब उनको बोलते हैं सपोज फारूक के फादर या फारूक के पापा तो मेरे को शाहरुख खान तो दे गेट अ लिटिल एंबैरस कि अरे व्हाई दे कॉलिंग माय फादर बाय हिज फर्स्ट नेम. सो दे यूज्ड टू गेट एंबैरस बट तो मैं उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ. अब नहीं, अब वो मुझे गाड़ी तक अलाउ करते हैं और पढ़ाता हूँ मैं. लेकिन अभी मेरा बेटा हो गया 8वीं में तो उसका मैथ्स मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं उसको लास्ट जब पढ़ा तो उसको 3 मिला था कुछ 10 पे या 100 पे तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. बट आई स्टिल लाइक टू स्टडी. आई राइट स्पीचेस फॉर देम. एलोक्यूशन मेरी जॉब है ये बोलना. तो मैं करता हूँ उनके लिए जनरल नॉलेज आई डू विद देम. अच्छा. एंड yeah but now they're growing older so thoda 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 sa bhi alag ho rahe hain. And I'm making the keema. Keema you bring toast. Toast your please. Okay. Anything else you want to know? Okay, I think I won't come to your house. I'll take you to my house only. Meri choti behan jo equally is crazy about Shahrukh Khan उसको भी बुलाया गया. एंड शाहरुख खान ने उनसे उसी वॉर्म्थ से मिले जिस तरह वो मुझसे मिले. एक सेकंड रुको, मैं सांस ले लूं फिर उसके बाद. नहीं नहीं बाद में बाद में. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. This is to bring more luck and happiness. Oh, thank you very much. And I want to see you more successful and very happy in life. You want me to see you have a body also like this? No, no, I don't think so. Thank you very much. Thank you. And I hear you're there something more. और एक मग है जिसपे वंस यू पुट पोर हॉट वाटर इन. आई हैड गॉन टू लंडन एंड आई गॉन टू मैडम टू सर्च एंड आई सीन टॉम क्रूज एंड एंजेलिना जोली सबको. बट आई सेड शाहरुख खान कहाँ है, सब तो दिख गए मेरे शाहरुख खान. एंड आई रैन इन टू योर वैक्स स्टैचू and I just hugged and I started kissing and people thought I had lost it. Did it kiss you back or not? Because mera wax statue kiss karta hai. Nahi. Motor nahi lagayi thi uske andar. But now kiss me, he kisses you back. So I had taken this picture and so this is for you. Okay, because I'll use it every day. Now next time you see me on TV or something, I'll be thinking. How cool. So anything else you want to know, ask me. I want to know when you're planning to like smoking kab chhodne wale. My daughter also keeps telling me now. और मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि I should give up smoking. Also, you know, मैं थोड़ा सा कम किया था बीच में तो I feel better. अगर I see my fingers or I know this is your so dirty. Yeah. So then like yeah. So I'm trying to give it up. And I've heard that आपको मसाज पसंद नहीं है. I get very shy. जब मैं कोई होटल में जाता हूँ, I get very shy. I'm personally very shy. जैसे मैं movies में हूँ वैसा नहीं हूँ. मैं एक किस्सा बताता हूँ. मैं एक बार गया था और मलेशिया में मैं डॉन की शूटिंग कर रहा था पार्ट वन की. तो मुझे अर्जुन रामपाल के साथ मैंने फाइट की थी. तो बहुत लोहे का ब्रिज था, बहुत चोट लग गई थी बैक पे और सब. सो आई वाज इन डीप पेन एंड माय नी हैड अ प्रॉब्लम. सो फाइनली देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड यू नो आई विल गेट द बेस्ट मसाज पीपल, दे विल कम टू योर रूम एंड डू इट. सो आई सेड ओके. सो आई मैं बहुत शर्माता हूँ. सो आई आस्क्ड दीस टू गर्ल्स केम, वन वाज 6 फीट वाज लिटिल शॉर्टर एंड आई गॉट माय सिक्योरिटी गार्ड. आई इनको समझा देना कि मुझको मैंने कराया नहीं. सो आई वाज वेयरिंग माय शॉर्ट्स. सो फर्स्ट आई फील वेरी शाय कि यू हैव टू वेयर. सो आई वेयर माय शॉर्ट्स एंड मैंने उसको बोला कि यू नो आई वेयर माय शॉर्ट्स बिकॉज़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर्ली. या था दो दो माय शाका दो माय शाका दो माय शाका ला दो एटा दो शाका. So I told her like I don't want you to take off my shorts and I tried to explain to her that this I'll wear. there's a table with a massage table, so she put it on me. There's a towel rakha usne. So I explained to her again ki, I just want my feet and that's short it. So I'll be like this only. Ah, not on the chaloga. Ah, da. And then she was doing it like, and she put her hand inside and pulled it. Ow. So once she pulled my shorts out, I was like this. मतलब मैं लाल हो गया था. मेरा वो लास्ट अटेम्प्ट था. एंड देन एक जगह मर गया था मैं ऑस्ट्रिया में. मैं बच्चों को स्कीइंग कराने ले गया था.
तो वहाँ पे भी मुझे चोट लगी, तो मेरे दोस्त जय थे मेरे साथ, कहा कि यार यू कैन डू दिस मसाज. तो वहाँ मैं गया तो फर्स्ट थिंग दे गिव यू टू वेयर इज डायपर्स. ओह माय गॉड, ऐसे ग्रोन अप डायपर्स होते हैं उसको, तो देख के मैं भाग गया. मैं थैंक यू. कहाँ है? आएगा 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 ना. यस आ रहा है. छू मंत्र छू. And now I'm going to make a new mug for myself with the real Shah Rukh Khan. Yes. There. Fantastic, isn't it? This photo mein real bhi lagta hai thoda sa na. Haan. Aankhein nakli lagti hai. So we have a cake for you also, and thank you for coming and meeting me. This is really sweet. Thank you so much. I wish you both so all the best, and I hope you succeed. Everything that you touch turns into gold. Aur apni family ko pyar dena, mera salam kehna. And I'll see if I come there sometime. Please. And I wanted to ask you, where do I get a guy like you? Like me? Yeah. It's so difficult. But if you get to know me, I'm not such a nice guy. No, you are. I'm a much better guy. Oh, I love you. I hope I get to see you again. I'll come down to Panjwani. I'll figure this out. Thank you so much. Oh, God. You do very well. Thank you so much. And I pray for all of you, your whole family. Give them my love. And tell them to make my chicken kasala and I'll come and eat. And I'm making the keema. Keema you bring? Toast. Toast you bring. Anything else you want to know? I'm very hungry. Okay, I think I won't come to your house. I'll take you to my house only.